नमस्कार दोस्तों, मेरे पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है। ये वही अकाउंट है जिसके जरिए निवेशक शेयरों और म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाते हैं, उसे खरीदते बेचते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास डीमैट अकाउंट होगा। तो 18 मार्च को मेरे मोबाइल पर मेरे डीमैट अकाउंट से जुड़ा अचानक एक मैसेज आया। आप अपने स्क्रीन पर मैसेज देख सकते हैं। मैसेज में लिखा था, अपडेट नॉमिनी नॉमिनीज और नो नॉमिनी डिक्लेरेशन इन डीमैट अकाउंट नंबर बाय 31 मार्च 2023 अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। और फिर फॉर डिटेल्स कॉल नंबर दिया हुआ था। मतलब 31 मार्च 2023 तक आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी अपडेट कर लें, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2023 से ऐसा नहीं करने पर आप अपने अकाउंट के जरिए शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे, म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। ये मैसेज का सार है। ऐसा मैसेज सारे डीमैट और ट्रेडिंग खाता धारकों को भेजा गया है उनके शेयर ब्रोकर के जरिए। तो सवाल है कि डीमैट खाते में घर बैठे ही नॉमिनी कैसे अपडेट करना है। तो यहां हम इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। मेरे पास चूंकि ICICI डायरेक्ट का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, इसलिए मैंने जो अपडेट किया है जिस स्टेप के जरिए, वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। वैसे अगर आपके पास किसी भी शेयर ब्रोकर का डीमैट अकाउंट हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता रहा हूं कि नॉमिनी अपडेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलें। जैसे ही आप खाता खोलते हैं, स्क्रीन पर नॉमिनी अपडेट को लेकर लिखित मैसेज दिखता है। आपको उस मैसेज पर क्लिक करना है। मैसेज पर क्लिक करते ही नॉमिनी अपडेट वाला पेज खुलेगा। उस पर लिखा रहेगा ऐड नॉमिनी फॉर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट और फिर नॉमिनी 1 आएगा। आपको बता दूं कि आप एक नॉमिनी दे सकते हैं और एक से अधिक नॉमिनी भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नॉमिनी का नाम नहीं देना है, आप घोषित कर सकते हैं कि मुझे नॉमिनी का नाम नहीं देना है घोषणा पत्र के जरिए। अब नॉमिनी 1 जो आएगा उसमें फिर टाइटल आएगा, जिसमें कि आपको मिस्टर मिसेज मिस में से कोई एक सेलेक्ट करना है। नॉमिनीज का नाम आएगा, फर्स्ट नेम सेकंड नेम आएगा। उसके बाद नॉमिनी के साथ क्या आपका रिश्ता है उसका जिक्र करना पड़ेगा। यहां पर अंकल ब्रदर सिस्टर मदर फादर आंटी अदर्स सन डॉटर हस्बैंड वाइफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में से किसी एक को चुनना होगा। इसके अलावा नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। इसके अलावा नॉमिनी का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, यानी पहचान सबूत देना पड़ेगा। हालांकि ये वैकल्पिक है, आप नहीं भी दे सकते हैं। अगर देना चाहें तो उसमें पैन आधार बैंक अकाउंट और पासपोर्ट शामिल है। इसमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। और फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जो आप चुनेंगे उसका नंबर क्या है उसका जिक्र करना पड़ेगा। फिर एलोकेशन परसेंटेज में आपका बताना है, यानी आप नॉमिनी को कितना परसेंट देना चाहते हैं अपने एसेट्स। तो अगर एक नॉमिनी है तो आप 100% दे सकते हैं। अगर आप दो नॉमिनी चुनते हैं तो 50-50% दे सकते हैं, या फिर 60-40, 70-30। इस तरह से आपको देना पड़ेगा। ये आपको सोचना है कि आप जिसे नॉमिनी बनाया है उसे आपको कितना परसेंट देना है जो आपके एसेट्स रहेंगे उसमें से। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस देना है। इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो रहेगा सेम एज माई एड्रेस, यानी जैसा आपका पता है वही पता रहने देना है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो बगल में बॉक्स बना रहेगा उसके, उसमें आपको टिक कर देना है। अगर ये नहीं चाहते हैं तो नॉमिनी का सही एड्रेस लिखना है आपको। अगर आप दो नॉमिनी का नाम देना चाहते हैं तो फिर एक अनदर नॉमिनी का ऑप्शन आता है, तो वहां पर क्लिक करके सेम यही चीज आपको भर देना है। उसके बाद सबमिट ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक जैसे ही करेंगे सबमिट ऑप्शन पर, तो लिखा हुआ आएगा आई एग्री दैट सेड नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ नॉमिनेशन विल बी अपडेटेड इन माय डीमैट अकाउंट विद ICICI बैंक। चूंकि मेरा ICICI बैंक के साथ डीमैट अकाउंट जुड़ा हुआ है, इसलिए ICICI बैंक का नाम आ रहा है। और आपका जिस बैंक के साथ डीमैट अकाउंट जुड़ा रहेगा वहां पर उस बैंक का नाम आएगा। विच इज लिंक्ड विद ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद प्रोसीड और क्लोज का विकल्प आएगा, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही मैसेज आएगा नॉमिनी एडेड का। इस तरह से आपका नॉमिनी अपडेट हो गया।
अगर आपने नॉमिनी का नाम डाल दिया है और आपको उसमें बदलाव करने हैं तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खाते पर जाना होगा, उसमें फिर सेटिंग में जा करके पर्सनल डिटेल्स वाले कॉलम में जाना है और उसके बाद जा करके आपको जो बदलाव करना है वो बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको नॉमिनी अपडेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। अगर आप नॉमिनी का नाम या नॉमिनी डिक्लेरेशन 31 मार्च 2023 तक अपने डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नहीं देते हैं तो आपका खाता सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी आप 1 अप्रैल 2023 से शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। दोबारा आप अपने डीमैट खाते से शेयरों की खरीद बिक्री तभी कर पाएंगे जब नॉमिनी अपडेट करेंगे। यही हाल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ भी है। अगर आपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसे लगाए हैं और नॉमिनी का नाम नहीं दिया है तो नॉमिनी का नाम 31 मार्च तक जरूर दे दीजिए, या नहीं देना चाहते हैं तो इस बारे में संबंधित घोषणा पत्र पर जरूर हस्ताक्षर कर दीजिए। ऐसा नहीं करने पर आप 1 अप्रैल से अपना म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं कर पाएंगे, यानी बेच नहीं सकेंगे, और अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना भी होगा तो आपके लिए नॉमिनी अपडेट करना जरूरी है। थोड़ा नॉमिनेशन के बारे में जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नॉमिनेशन यानी किसी अकाउंट होल्डर के ना रहने पर किसके नाम अकाउंट ट्रांसफर करना है उसकी जानकारी देना, ताकि मृत अकाउंट होल्डर का अकाउंट आसानी से बिना किसी झंझट के बिना किसी खर्च के नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाए। नॉमिनेशन नहीं करने पर मृत अकाउंट होल्डर का अकाउंट उसके कानूनी वारिस को ट्रांसफर करने में काफी समय काफी पैसे खर्च करने होते हैं और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। नॉमिनी किसी भी अकाउंट का कानूनी वारिस नहीं होता है, वह केवल केयर टेकर होता है, उसे अकाउंट कानूनी वारिस को देना पड़ता है। दोस्तों, 1 अप्रैल से अपने डीमैट खाते के जरिए शेयरों या म्यूचुअल फंड्स की खरीद बिक्री करना जारी रखना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 तक आपको दो और काम करना अनिवार्य है। पहला काम है कि आपको अपना KYC अपडेट करना है डीमैट अकाउंट में, और दूसरा काम है आपको अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक करना है। तो इन दोनों कामों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में KYC अपडेट के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको यह चेक कर लेना होगा कि आपके अकाउंट में KYC की सभी जानकारियां, खासकर 6 जानकारियां अपडेट हैं या नहीं। इनमें नाम, पता, पैन नंबर, इनकम रेंज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करना शामिल है। अगर ये 6 जानकारियां 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड नहीं होंगी तो आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल 2023 से डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी आप इस खाते से शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो 6 KYC क्या क्या अपडेट करने हैं एक बार फिर से जान लीजिए। नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम रेंज। अगर ये जानकारियां अपडेट नहीं की जाती है तो आपके डीमैट अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर ये जानकारियां अपडेट होने के बाद ही उसे दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा। अगर KYC डिटेल, खासकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं की जाती है तो डीमैट अकाउंट पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन में डाल दिया जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद ही डीमैट अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा। अगर डीमैट अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं किया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करने में भी दिक्कत आएगी। अगर कोई निवेशक शेयर खरीदता है तो KYC डिटेल अपडेट और वेरीफाई होने तक ये शेयर उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। जहां तक इनकम रेंज की बात है तो निवेशकों को दी गई लिस्ट में से यह बताना होगा कि वो किस इनकम रेंज में आते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए रेंज है 1 लाख रुपए से कम, 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच, 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच, 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच और 25 लाख रुपए से ज्यादा। जबकि नॉन इंडिविजुअल के लिए ये है, यह हम सालाना इनकम रेंज बता रहे हैं आपको, 20 लाख रुपए, 20 लाख से 50 लाख रुपए, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। और जो आपको दूसरा काम करना है वो है अपने पैन को आधार से लिंक करना। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं रहेगा तो आपका डीमैट खाता काम नहीं करेगा। पहले 31 मार्च 2022 तक ये काम करना था, लेकिन फिर इस अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। लेकिन इस अवधि के दौरान पैन आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपए फीस देनी होगी। पिछले साल अप्रैल मई जून के दौरान लिंक करने पर यह फीस 500 रुपए थी। अगर पैन आधार लिंक नहीं किया तो आपका डीमैट खाता 1 अप्रैल 2023 से काम करना बंद कर देगा। पैन आधार को घर बैठे कैसे लिंक करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ।
दोनों को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे लिंक करेंगे, ये जानने से पहले पैन और आधार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पैन के बारे में जान लेते हैं। तो पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, हिंदी में उसको अस्थाई पहचान संख्या कहते हैं। तो 10 कैरेक्टर जिसमें कि अल्फा और न्यूमेरिक दोनों शामिल है वाली पहचान संख्या है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। आधार 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जारी करता है। तो ये तो पैन और आधार के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पैन और आधार को कैसे लिंक करना है। तो आप दोनों तरीके से पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। तो घर बैठे पैन और आधार कैसे जुड़े वो बता देता हूं मैं आपको। पहले तो आप इसे इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट है, आप नोट कर लीजिए, www.incometax.gov.in। तो उसके होम पेज पर आपको जाना है। होम पेज पर ही आपको लिंक आधार सेक्शन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो पेज खुलेगा उसमें पैन, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको भरना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। तो ये तो हो गया वेबसाइट के जरिए कैसे लिंक करना है। अगर आप SMS के जरिए लिंक करना चाहते हैं तो वो भी जान लीजिए। SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 5 6 7 6 7 8 या 5 6 1 6 1 पर मैसेज भेजकर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। तरीका आसान है। SMS के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना है। UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है और फिर उसे 5 6 7 6 7 8 या 5 6 1 6 1 पर भेज देना है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक उदाहरण के जरिए SMS के जरिए पैन और आधार को कैसे लिंक करना है उसका एग्जांपल। तो आपको मैसेज बॉक्स में UIDPN टाइप करना है, स्पेस देना है और फिर 12 अंकों का आधार नंबर देना है, फिर स्पेस देना है और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर देना है और उसको 5 6 7 6 7 8 पर या 5 6 1 6 1 पर भेज देना है। इतना करते ही आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा। अब ऑफलाइन पैन और आधार को कैसे लिंक करना है वो भी जान लीजिए। तो पैन सर्विस प्रोवाइडर NSDL या UTI ITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म एनेक्सर 1 भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं इस बात पर निर्भर करेगा। पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर ले कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो। पैन आधार लिंक है या नहीं इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर में बाईं तरफ दिए गए विकल्प क्लिक हेयर पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें, अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आपका पैन आधार लिंक है तो लिखकर आएगा योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर। अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो तुरंत करवा लें। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की खरीद बिक्री बिना किसी रुकावट के पहले की तरह ही जारी रखना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 तक 3 काम जरूर कर लें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहला, खाते और म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनी अपडेट कर लें। दूसरा, KYC अपडेट करें और तीसरा, पैन और आधार कार्ड को लिंक करें। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब
मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।